लाइफ में आने वाला अच्छा और बुरा समय आकाशगंगा में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन और उससे संबंधित राशियों पर आधारित होता है। लेकिन इस साल के दिसंबर महीने में इन ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि सभी राशियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में दिसंबर महीने में लगभग सभी लोगों को इस बुरे समय के दौर से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप खुद को इस बुरे समय से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको इस नवंबर महीने के खत्म होने के पहले कुछ खास काम या फिर यूं कहें कि कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। नवंबर महीने में दिवाली और एकादशी जैसे पावन पर्व होने के कारण ये महीना काफी शुभ था। ऐसे में अगर आप इस महीने में इन खास उपायों को कर लेते हैं तो दिसंबर महीने में आने वाले बुरे समय को आसानी से टाल सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो काम। पहला, नवंबर महीने खत्म होने के पहले अपने घर में सत्यनारायण की एक कथा जरूर करवाएं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में सत्यनारायण की कथा होती है वहां सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है और साथ ही उस घर से बुरी शक्तियां भी कोसों दूर रहती हैं। ऐसे में अगर आप नवंबर महीने में ही घर में सत्यनारायण कथा करवा लेते हैं तो दिसंबर में ये बुरी शक्तियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और आप अपने आप को आने वाले बुरे समय को भी टाल सकेंगे। दूसरा काम, भूखे को खाना खिलाना भी बड़ा पुण्य का काम होता है। ऐसे में नवंबर महीने के खत्म होने से पहले किसी गरीब व्यक्ति को भर पेट खाना जरूर खिलाएं। ऐसे में उसके दिल से निकली हुई दुआ आपकी हमेशा रक्षा करेगी। इतना ही नहीं, इस उपाय से आपके ऊपर धन की बरकत हमेशा बनी रहती है और आपको खूब तरक्की भी होगी। तीसरा काम, नवंबर महीने में गाय को पूरी सब्जी और हलवा जरूर खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि गाय के अंदर कई देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे में जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो वो इन सभी देवी देवताओं को भोग के रूप में लग जाता है। इस तरह आपके ऊपर इतने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है जो कि आपके आने वाले बुरे समय में आपकी मदद करता है। चौथा काम, नवंबर महीने में किसी गरीब को कपड़े का दान जरूर करें। कपड़ों के दान को शास्त्रों में भी काफी अहमियत दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि कपड़ों का दान करने से आपकी और आपके घर के लोगों की सेहत हमेशा अच्छी रहती है और सभी लाइफ में खूब तरक्की भी करते हैं। पांचवा काम, नवंबर महीने के खत्म होने से पहले अपने घर में रखी सभी टूटी फूटी चीजों जैसे कि आईना, फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक का सामान बाहर निकाल दें। ये सभी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती हैं। ऐसे में दिसंबर के बुरे दिनों में इनका प्रभाव और भी तेज हो सकता है जो कि आपके लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए इन बंद या फिर टूटी फूटी चीजों को फेंक दें या फिर ठीक करवा लें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से वृत्त राय की रिपोर्ट।